नमस्कार फ्रेंड्स, मोड़ी के आपण स्वागत करुच्ची ओडिया जी टेक चैनल को। आज आपड़ो देखापी पाइबे कि जदि आपण मैंने प्लस टू एडमिशन फर्म आवेदन करने चाहते तेल केमी आपण मैंने 2020 प्लस टू एडमिशन ऑनलाइन रे फर्म आवेदन करें कौन रही तार पूरा प्रोसेस टी चलांतु देखा एमती भिडर अपडेट पाया सब्सक्राइब करूँ ओडिया जी टेक चैनल को बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन कर दिंतु। प्रथम आपंकर मोबाइल फोन हो कि कंप्यूटर हो जेकोसी गोटे ब्राउजर जाए वेबसाइट को ओपन करूँ। जो वेबसाइट नेम हो sams.odisha.gov.in वेबसाइट लिंक टी डिस्क्रिप्शन में देदी आप चाहिए डायरेक्ट यही वेबसाइट को आसपारे। यही वेबसाइट को आसला पर एठार जो लिखाई स्कूल एंड मास एजुकेशन तले जो हायर सेकेंडरी स्कूल प्लस टू लिखाई तारी उपरे क्लिक करूँ। तो एठार जब आप प्लस टू एडमिशन बाबद किसी इनफर्मेशन जानापी चाहूँ तेल मुझसे भिडियोटी मगर अपलोड कर सारी आप चाहिए आई बटन में क्लिक करके देखिपारती। तो ये चलते आम देखा किमी आप प्लस टू एडमिशन फर्म एप्लाय करेंगे। तो से प्रथम आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्टर उपर क्लिक करने पड़ो। रजिस्ट्रेशन करने प्रथम आपंकर नाम टी कौन से आपंकर टाइप करूँ। तापर आपंकर मोबाइल नंबर टी टाइप कर दिंतु। मोबाइल नंबर टी दे सर आपंकर इमेल आई डी टी दिंतु। यह सबू दे सर जेनेट ओटीपी क्लिक करूँ। जेनेट ओटीपी क्लिक कलापर आपंकर मोबाइल नंबर को वही आपंकर इमेल आई डी को गोटे ओटीपी चाहिए तो से ही ओटीपी टी दे दिंतु। ओटीपी दे सारापर आपको यठार गोटे नुआ पासवर्ड देवाई पड़ो। पासवर्ड टी किसी एमती होगा दरकार जमीती नेम नंबर विथ सिंबल थी जमी आप एक्जामपल देखुं सेमती कितना आपंकी इच्छा अनुसार आप पासवर्ड टी दिंतु और से ही पासवर्ड टी आप थे कनफर्म पासवर्ड जगह टाइप कर दिंतु। पासवर्ड टी आपको मन रखापी पड़ो कहीं पासवर्ड द्वारा आप लगइन करेंगे। पासवर्ड टी दे सारापर सबमिट उपर क्लिक करूँ। सबमिट उपर क्लिक कलापर एठार शो कर कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड तो यठार ओके कर दिंतु। तापर आपंकर लॉगिन पेज टी ओपन हो ना भी आपड़ा होम पेज को जाए एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन उपर क्लिक करते आपने ये पेज टी पुणी थे आसीज एटार आपंकर रजिस्ट्रेशन टाइम जो मोबाइल नंबर टी देते से ही मोबाइल नंबर टी दे दिंतु। तापर आपंकर जो पासवर्ड टी जो आपड़ा रजिस्ट्रेशन टाइम क्रिएट करते से ही पासवर्ड टी दे दिंतु। तापर एठार जो कैप्चर टी आईटा आपंकर एंटर द कैप्चर जगह टाइप कर दिंतु। ए सबू दे सारापर साइन इन क्लिक करूँ देले आपण एठारे लॉगिन हो जिवे। लॉगिन कला पर एठारे जो गोटे एरो शो करछि तारि उपरे क्लिक करंतु देले आपणकर सब ऑप्शन ओपन हो जिवो। एठारे जो लेखाइछि सीएएफ अप्लाई तारि उपरे क्लिक करंतु। सीएएफ मीन्स कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देले आपणक सामने रे 2020-21 एकेडमिक सीजन रो एप्लीकेशन फॉर्म टी ओपन हो जिवो। तेई फॉर्म टी को आपणकु फिल अप करिया पई पड़िवो। तो प्रथमे आमे एठारे इयर ऑफ पासिंग दबा जेहेतु आमे एई वर्ष 2020 रे पास आउट सेथि पई 2020 दबा। एग्जाम टाइप जगह आपंकर एनुआल सिलेक्ट होती आप सप्लामेट्री देते तो आप सप्लामेट्री सिलेक्ट करते तो आम सेमती रहा दबा। तापर आम जो रोल नंबर टी से रोल नंबर टी आम एटीदा रोल नंबर टी दे सारापर माउस टी बाहर क्लिक करूँ देखे आपंकर डिटेल्स आपंकर आपंकर एप्लिकेंटर नाम सहित आपंकर फादर्स नेम मदर्स नेम विथ आप जो 10th बोर्ड एग्जाम मार्क रखिथे से ही मार्क सब आपंकर शो कर जदि आपंकर मार्क गुड़ी को आपंकर मार्कशीट सहित मैच करूनी तेल आपड़ा नो कर सब डिटेल्स फिलअप करती। तो आमर जेहतु एटार सबकि ठीक अच्छी चलत फटो टी अपलोड करना फटो टी अपलोड करने से फटो आइकन उपर क्लिक करतापर आपने गोटे पपअप नहीं जोठार कि आपंकर चूज फाइल उपर क्लिक करके आपंकर फटो टी चूज करनी फटो टी चूज कर सारापर अपलोड उपर क्लिक कर दिंतु। जदि आपंकर फटो टी ठीक थाए तेल आप ओके क्लिक करूँ। फोटो टी अपलोड कर सारापर टी तौक आसतु तो यठार आपंकर ब्लड ग्रुप कौन चूज करतापर जेंडर जगह आप मेल कि फिमेल से देते जेंडर दे सारापर रिलीजन जगह आपंकर हिंदू कि मुस्लिम जहाँ भी आपड़े से चूज करेंगे। रोल नंबर टी दे सारापर आपंकर डेट अफ बर्थ भी अटोमेटिक आसीज जदि न आसूल आपंपर आपंकर जो आधार नंबर टी से आधार नंबर टी दिंतु। आधार नंबर टी दे सारापर गार्डियन मोबाइल नंबर टी टाइप कर दिंतु। जदि आप जे अनाथ तेल आप अरफान उपर क्लिक करफान उपर क्लिक कलापर देखो एटार जो फी टी लिखाई से आपंकर जीरो हो जाए कहीं अनाथ पाई कौन एप्लिकेशन फी लगना तापर चलत आम एड्रेस डिटेल्स देदे स्टेट टी आपर बाय डिफल्ट ओडिशा सिलेक्ट होदी ना आप ओडिशा सिलेक्ट करनी आपंकर डिस्ट्रिक्ट कौन दिंतु डिस्ट्रिक्ट दे सारापर आपंकर ब्लॉक बाय यूएलबी कौन दे दिंतु। तापर एठार आपंकर फुल एड्रेस को टाइप कर दिंतु जमीक आपंकर एट पोस्ट भाया पीएस जहाँ भी आपंकर थे सब आपड़े दे दिंतु। एड्रेस दे सारापर आपंकर पिनकोड टी दिंतु तापर आसला रिजर्वेशन डिटेल्स तो जदि आपंकर एस सी एस टी कि पिडब्ल्यू डी कैटेगरी होते हैं आपंकर एप्लिकेशन फी 100 टंका लगे आदि आप ओबीसी एससीबीसी कि जेनेल होते हैं आपंकर एप्लिकेशन फी टी 200 टंका लगे।
तेठारे जदि आपण एससी किंबा एसटी हेतिबे सेइटा आपण सिलेक्ट करंतु। तापर जदि आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट रे बारकोड नंबर नहले मिसकेस नंबर अछि ताले एठी आपण यस कर दियंतु। तेठारे एग्जांपल भी देखि परथुबे एमिति किछि नंबर आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट रे जदि थिबो एई दुइटा नंबर भितर जे कोनोसी गुटिया नंबर आपण देइ परंती। तापर एठारे जदि आपणकर एनसीसी किंबा कोनोसी स्पोर्ट्स थाए ताले आपण एठारे चोज करि परंती। जेहेतु हमर किछि नाही सेथिबे एठारे हमर किछि चोज करबा दरकार नाही। तापर एठारे आपणकर सब्जेक्ट वाइज मार्क शो करथिबो। जदि आपण कंपार्टमेंटली एग्जाम देथिबे तले आपण एठारे यस करि परंती। जेहेतु आमे कंपार्टमेंटली नुहे तेणु आमे नो रहे पई दबा। तेसो परे आपणकर पेरेंट्स रो इनकम डिटेल सेठारे दबा पई पडिबो। तेठारे प्रथमे आपणकर फादर्स रो ऑक्युपेशन कोन सेइटा आपण एठी दियंतु। जेहेतु आमे फादर्स चासी तेणु आमे एठी कल्टिवेशन दबा तो आपणकर जाहेथिबे सेटा देइ परंती। तापर आपणकर मां कोन करंती सेइटा आपणकर मदर ऑक्युपेशन जगह रे देबे। तेठारे आमे होम मेकर दे दबा। तापर आपणकर फॅमिली रो एनुअल इनकम केते सेइटा आपण एठी चोज करिवे। नेक्स्ट आपणकर बैंक इनफॉर्मेशन दियंतु। तेठरे आपणकर अकाउंट नंबर टी दियंतु। तापर आपणकर से बैंक रो आईएफएससी कोड जोटा कि आपणकर पासबुक रे लेखा जाइथिबो। आईएफएससी कोड टी देसला पोरे आपणकर बैंक रो नेम टी एठरे टाइप करंतु। तापर से बैंक रो ब्रांच रो नाम टी एठरे टाइप करंतु। तापर स्टेप रे आपणकर स्कूल रो किछि डिटेल्स दवा पई पडिबो। जेमिति कि एठरे आपणकर स्कूल नेम डिस्ट्रिक्ट एवं आपणकर पास आउट ईयर भी लेखा आसी जाउथिबो। एठार आपणकर स्कूल रो लोकेशन स्कूल टी को जगह रे सेइटा आपण एठी दियंतु। तापर ईयर ऑफ जॉइनिंग। ईयर ऑफ जॉइनिंग जगह रे आपण सेइ स्कूल ले को वर्ष रे जॉइन करथिले सेइ जॉइनिंग ईयर टी एठार देबे। तापर एठार आपणको कॉलेज सिलेक्शन करिया पई पडिबो। तो मिनिमम एठार 5टी कॉलेज सिलेक्शन करिवे आ मैक्सिमम आपण 10टी कॉलेज सिलेक्शन करि परिबे। तो प्रथमे आपण एचएसएस टाइप जगह रे आपणकर गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल की संस्कृत रे पढिया पई चाहू चंती सेइटा आपण सिलेक्ट करिवे। तो हमर जोटा सिलेक्ट हे कि अछि सेइटा रहया पई दबा। तापर एठार आपणकर डिस्ट्रिक्ट कोन चूज करंतु। डिस्ट्रिक्ट देसला पोरे एचएसएस नेम जगह रे आपणकर सब कॉलेज नेम शो करथिबो। तेठार आपणकर फर्स्ट सिलेक्शन रे जो कॉलेज टी रखिया पई चाहू चंती सेई कॉलेज टी सिलेक्ट करंतु। कॉलेज देसला पोरे सेई कॉलेज रे जो सब स्ट्रीम थिबो से सब स्ट्रीम एठार शो करथिबो। तेठार आपण आर्ट साइंस कॉमर्स जो स्ट्रीम आपण रखिया पई चाहू चंती सेईटा आपण चूज करंतु। तेठार आपणको देखिया पई मु आर्ट्स चूज करूची। आर्ट्स रे आपणकर कंपलसरी सब्जेक्ट एमआईएलटी ऑटोमेटिक आसी जिवो। तापर आपणकर इलेक्टिव फर्स्ट सब्जेक्ट कोन रखिया पई चाहू चंती सेईटा आपणकर एठी चूज करिवे। तापर इलेक्टिव सेकंड सब्जेक्ट चूज करिवे। तापर थर्ड सब्जेक्ट। तापर फोर्थ इलेक्टिव रे फर्स्ट सब्जेक्ट कोन रखिया पई चाहू चंती चूज करिवे। सब्जेक्ट सब देसला पोरे जदि आपण हॉस्टल रहिया पई चाहू चंती ताले आपण एठी यस करंतु नहले आपण नो कर दियंतु। तेबे हमर फर्स्ट ऑप्शन टी दे देले फर्स्ट ऑप्शन टी देसला पोरे एठार आपण सेकंड ऑप्शन उपर क्लिक करंतु। सेकंड ऑप्शन उपर क्लिक कला पोरे देखि परथु आपणकर फर्स्ट ऑप्शन टी एठार आसी जाउची। तो भूल ले जदि आपण फर्स्ट ऑप्शन टी दे दैछंती ताले आपण डिलीट करि परिबे। तो जेहेतु हमको एठारे मिनिमम 5टी ऑप्शन सिलेक्ट करिया पई कोहा जाइछि तेठारे आमे गुटी ऑप्शन ऐड करिछि। एबे हमको अबरी 4टी ऑप्शन ऐड करिया पई पडिबो। तेबे जेमिति आमे ऐड करले सेमिति आमे चलंतु फटाफट 4टी ऑप्शन ऐड कर दबा। तो 5टी कॉलेज ऐड करिसला पोरे एठारे आमे अप्लाई उपर क्लिक करिबा। अप्लाई उपर क्लिक कला परे से आपन को शो करतो कि यू हैव एंटर 5 ऑप्शन क्लिक ओके टू सबमिट। जदि आपन जहां भी देइछन से सब ठीक अछि ताले ओके उपर क्लिक कर दियंतु। तापर नेक्स्ट पेज रे आपन को पेमेंट करिया पे पड़िबो। तो एठारे से देखौ छि कि आपन को इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो एटा को आपन चाहले पढ़ी परंती। तो एठारे सिंपली आपन आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन उपर क्लिक करंतु। तेठी आपन को एप्लीकेंट रो नेम रोल नंबर विथ आपन को यूनिक रेफरेंस नंबर टी भी लेखा आस्तुबो। ता सहित आपण केते टका अमाउंट पेड करचोंती सेटा भी आपण करठारे शो करथिबो। तेठी आपण पेमेंट करिया पई ऑनलाइन पेमेंट उपर क्लिक करंतु। तेठी से पुणी थरे पचारुची कि जहा कि आपण कर एप्लीकेशन फॉर्म रे आपण जहा भी फिलअप कले से सब जदि आपण ठीक अछि तले आपण ओके उपर क्लिक करंतु। तापर से पचारुची कि आर यू सियोर यू वांट टू पे। तेठी आपण ओके कर दियंतु। ओके कला परे नेक्स्ट पेज रे आपण कर ऑर्डर समरी शो करथिबो। तेठरे आपण कर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहले आपण कर नेट बैंकिंग थ्रू रे भी पेमेंट करि परिबे। जेहेतु आम एटीएम कार्ड थ्रू पेमेंट करने चाहूँ से डेबिट कार्ड उपर क्लिक करवा। तापर एठार आपणकर डेबिट कार्ड बा एटीएम कार्ड उपर जो नंबर अछि से नंबर टी टाइप करंतु। तापर से एटीएम कार्ड रो एक्सपायरी डेट ता सहित आपणकर एटीएम कार्ड पछपटे जो तीनोटी नंबर थिबो सेटा को सीबीवी नंबर कह जाय से नंबर टी एठार दे दियंतु। तापर नेम ऑफ द कार्ड होल्डर जगार से एटीएम टी जहांकर तांकर नाम टी एठार टाइप करंतु। तापर सिंपली पे नाउ उपर क्लिक कर दियंतु। देले आपणकर बैंक अकाउंट सहित जो मोबाइल नंबर टी लिंक थिबो से नंबर को गोटे ओटीपी जिवो। तो से ओटीपी दे सबमिट कला परे आपणकर एप्लीकेशन फॉर्म टी सक्सेसफुली सबमिटेड होई जिवो। देखि परथुबे एप्लीकेशन टी आपणकर ऑटो वैलिडेटेड। ए एप्लीकेशन टी आपणको कोठी जमा करिया पई पडिबो नाही। तापर आपण प्रिंट एप्लीकेशन उपर क्लिक करी आपण से एप्लीकेशन टी को प्रिंट बार कर नियंतु।
तो फ्रेंड्स ये तो थी आप गोटे भिडियो के केमी आप प्लस टू फर्म टी अनल आवेदन करेंगे। जदि आपको भिडियोट भल आई तेरे भिडियो को लाइक कर दिखाँ आपको सांगों के भितर सेयार कर जुड़ू और जदि आप चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबे अल नोटिफिकेशन कर दिखाँ ताकि जितने भी भिडियो अपलोड करेंगे आप देखिपारे। थैंक यू फॉर वाचिंग।